पता नहीं कहाँ चला गया। यूसुफ पर क्या गुजरी, क्या किया उसके साथ, कुछ तो बोलो। आराम से रुको तो सही, पता तो चलेगी क्या हुआ है। हाँ बोलो। मैं घर में काम में मशगूल थी, बच्चे सहन में खेत में मगन थे, अचानक सुना कि सब यूसुफ को पुकार रहे हैं। मैंने पूछा क्या हुआ तो बताया कि यूसुफ जगह ढूंढ लिया है। इस तरह अमानत का ख्याल रखा जाता है, इस तरह से यूसुफ की हिफाजत की है, आपका ध्यान कहाँ था? बस करो बस करो, देखने तो दो आखिर हुआ क्या। तुमने घर में अच्छी तरह तो देख लिया ना? देख लिया है। यूसुफ बहुत होशियार बच्चा है, खुद को ऐसी जगह छुपाया होगा कि कोई ढूंढ ना सके, मसलन संदूक में या तंदूर में। मेरे खुदा, यूसुफ इधर आओ मेरे बच्चे। सलाम बाबा। सलाम मेरे बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वाह बेटा, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। यहाँ क्या कर रहे थे, तनूर के अंदर क्या कर रहे थे? खाला हम खेल रहे थे, मैं यहाँ आकर छुप गया ताकि मेरे भाई मुझे ढूंढ न सके। फायका, तुम्हें यूसुफ से गफलत नहीं बरतनी चाहिए थी। अगर यूसुफ का तनूर में दम घुट जाता तो क्या कर लेती? मैंने अपनी बहन राहील से वादा किया था कि मैं उसके बच्चों की हिफाजत करूंगी, आज के बाद मैं इन्हें अपनी निगाहों से कभी दूर नहीं करूंगी। यूसुफ के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। दिया मुझे इतनी अजियत मत दो, एक तना खस्ता हाल ज़ईफ़ा कि जिसकी उम्र तमाम होने को है, तुमसे इल्तिजा करती है। नहीं बस, मैंने कह दिया। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं पहले से कहीं ज्यादा यूसुफ की हिफाजत करूंगी। देखो फायका, मैं अब यूसुफ की दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, बेहतर है कि वो यहीं हमारे पास रहे। मैं बस एक मोहलत और आपसे चाहती हूँ, सिर्फ एक और मोहलत। देखो फायका, तुम जानती हो कि यूसुफ कोई मामूली बच्चा नहीं है, अब मैं इसके मामले में कोई बेपरवाही नहीं बरत सकता। अच्छा तो मेरे और यूसुफ की मोहब्बत के रिश्ते को यूं एकदम मत तोड़िए, कुछ रोज मेरे पास रहने दीजिए ताकि आहिस्ता आहिस्ता इसकी मोहब्बत दिल से निकाल सको। लेकिन मैं अपनी बात पर कायम हूँ। लिया, सिर्फ चंद रोज, सुना, सिर्फ चंद रोज। सिर्फ चंद रोज, मैं वादा करती हूँ मैं खुद इसे आपके पास वापस लेकर आऊंगी। चलो चले पप्पू की जान। शुक्रिया लिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। शुक्रगुजार हूँ भाई। खुदा आपका हामी और नासिर।
तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगी। पप्पो, आप अब तक सोए नहीं? तुम सो जाओ मेरे बच्चे, मुझे नींद नहीं आ रही। तुम जाग गए हो यूसुफ? आप सुबह तक जागते रही हैं। जब भी मेरी आंख खुली आप जागी हुई थी। तुम यहाँ से चले जाओगे, इस ख्याल ने मेरे दिल का सुकून और रातों की नींद छीन ली है। लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं यहाँ से जाऊँ। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अब मैं अपने घर वापस नहीं जाना चाहता। सच में तुम्हें पप्पू अच्छी लगती है? आपसे मुझे मेरी माँ राहिल की खुशबू आती है। लिया खाला भी मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन जब वो मेरा ख्याल करती हैं, तो भाइयों को बहुत बुरा लगता है। पप्पू की जान, यानी तुम यहाँ मेरे पास रहना चाहते हो? हाँ। एक तरकीब मेरे जहन में आई है, यहाँ रुकने के लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। चलो उठो, तैयार हो जाओ, तुम्हारे पापा के पास चलते हैं। सलाम बाबा। सलाम पप्पू। सलाम पप्पू। सलाम। मैं आई हूँ ताकि आपकी अमानत आपको पहुँचा दूँ सही सलामत। सलाम पप्पू फाइका। सलाम मेरी बच्ची। तुमने तो चंद दिन और रखने का कहा था। यूसुफ, खुश आमदीद मेरे बच्चे। अमानत को जल्द लौटाना चाहिए। अगर आप नहीं चाहते तो मैं वापस ले जाती हूँ। नहीं 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 नहीं, आपने इसे लौटाया, इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। और एक मुद्दत तक जो इसकी सरपरस्ती की जिम्मेदारी निभाई, इसके लिए भी शुक्रिया। यूसुफ चलो चलो खेलें। जाओ बेटा जाओ। आ जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बहन। खुदा हाफिज पुप्पो। आखिर यूसुफ और उसके भाइयों में ऐसा क्या फर्क है जो उसे इतनी ज्यादा अहमियत देते हैं? तुम ठीक कहती हो, ये तो साफ जाहिर है, याकूब और उनकी बहन यूसुफ को हमारे बच्चों से ज्यादा चाहते हैं। बिस्मा, बिस्मा। जी बानो। मेरे बाबा इसाक का कमरबंद गुम हो गया है, तुमने तो नहीं देखा?
नहीं तो मेरे साथ आओ, यहाँ के बुजुर्गों को और चंद लोगों को खबर करें। चलो। दीना आराम से। शमून यहूदा जल्दी करो। क्या हुआ बहन? बिस्मा क्या हुआ? इसहाक नबी का कमरबंद गुम हो गया है। सब जगह देख लिया? सब जगह। हमारे बाबा इसहाक की यादगार थी। मुझे बहुत दुख हुआ है, वही जो हमेशा यूसुफ की कमर पर बांधती थी। फिर भी देख ले, मिल जाएगा। सब जगह देख लिया और सबसे पूछ लिया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। कब गुम हुआ? पता नहीं, जब से यूसुफ को यहाँ लाई हूँ तब से कमरबंद का कुछ अता पता नहीं। क्या तुम में से किसी ने कमरबंद देखा है? हो सकता है यूसुफ ने यहाँ आने से पहले उसे कहीं छुपा दिया हो। तुम्हें नहीं लगता यूसुफ को चूंकि वो कमरबंद बहुत पसंद था इसलिए उसने ले लिया हो? यानी यूसुफ ने चोरी की है? शायद उसने सोचा हो कि वो अब उसी का तो है और मैंने वो उसे दे दिया है। लेकिन मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं उसे ढूंढने के लिए हर जगह और हर एक की तलाशी लूंगी, और जब तक वो मिल नहीं जाता आराम से नहीं बैठूंगी। सिर्फ यूसुफ ही वो कमरबंद बांधता था, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। बहुत खूब, मैं भी पहले यूसुफ से ही शुरू करती हूँ ताकि कोई बहाना ही ना रहे। इजाजत है? मालूम नहीं तुम्हारी इसमें क्या चालबाजी है, लेकिन जो कुछ भी है मुझे इससे दुख पहुंच रहा है। चालबाजी? कैसी चालबाजी? लोगों, मेरे बाबा का कमरबंद खोया है और मैं उसकी तलाश में हूँ, क्या ये चालबाजी है? ठीक है बाबा, हंगामा मत करो, जाओ अपनी तसल्ली कर लो। कमरबंद यहाँ है। मैंने सच कहा था ना, ये रहा कमरबंद। यूसुफ ये क्या हरकत की है तुमने? यूसुफ ने तो कुछ नहीं किया, बस चोरी की है। कनान के लोगों, तुमने देखा मुझे चोर मतलब था, सो मिल गया। बहुत हो गया, बस करो, तुम्हारा कमरबंद मिल गया, लो और जाओ। इतनी आसानी से नहीं भाई, लगता है तुम अहले कनान के कानून को भूल गए हो। ये आप सब लोग जानते हैं कि कनान वालों के रस्म रिवाज के मुताबिक जो कोई भी अपने मसरूखा माल के साथ चोर ढूंढ निकाले तो वो उसे 4 साल तक के लिए अपने गुलामी में रख सकता है। वाह वाह, सुना तुमने, यूसुफ का वो गुलामी भी करनी होगी। हम सब कनानियों के रस्म रिवाज से वाकिफ हैं, लेकिन क्या तुम यूसुफ से गुलामी कराओगी? मैं इस काम में एक लम्हे की भी ताखीर नहीं करूँगी। ये अलग बात है कि आप कनान के लोगों के रस्म रिवाज को ना माने। बस करो फाइका, मैं इन रसूमात पे यकीन नहीं रखती, मैं यूसुफ को तुम्हारी गुलामी में नहीं दूंगी। आप लोग जो नबी के खानदान से हैं, कवानीन रस्म रिवाज का पास लिहाज नहीं रखेंगे तो दूसरों से क्या तवक्का की जाए? लेकिन यूसुफ अभी बच्चा है, किस तरह तुम उसे अपनी गुलामी में ले सकती हो? बड़े और छोटे में कोई फर्क नहीं, ये कानून सब पर लागू होता है और हम इसका एहतराम करते हैं। मैं जानता हूं कि इसमें जरूर तुम्हारी कोई चाल है, लेकिन मैं साबित नहीं कर सकता। लिहाजा अगर तुम यूसुफ से दस्तबरदार नहीं होगी तो मजबूरन तुम्हारी बात कबूल करना होगी। मैंने चोर ढूंढ लिया है और उससे दस्तबरदार नहीं होंगी। खुदा और उसका नबी मुझे माफ फरमाए और मुझे उसकी सजा ना दे। चलो यूसुफ, तुम आज से 4 साल के लिए मेरे गुलाम बनकर रहोगे।
ये है नतीजा इस लाड प्यार का। जिस बच्चे को इतना सर पर चढ़ाया जाएगा उसका नतीजा तो यही होना था। बच्चे तो अक्सर ऐसी शरारतें करते ही हैं। ये कोई चोरी नहीं। क्यों उसकी बात मान ली? फाइका यूसुफ की बेहतर तौर पर हिफाजत नहीं कर सकती। यूसुफ ने बजाहिर चोरी की है और मैं इसके खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सका। परेशान मत हो, यूसुफ किसी गैर के पास नहीं है। फूफी की जान, आज के बाद से तो मेरे मालिक सरदार फूफी तुम्हारी कनीज है। तो मेरे भाई के वारिस और कबीले के चश्मों चराह हो। ये कमरबंद दरहकीकत वो मीरास है जिसके सिर्फ तुम ही अहल हो। ये कमरबंद आज के बाद से मेरा है। यूसुफ, यूसुफ, मेरे बच्चे ख्वाब देख रहे हो? सलाम बाबा। सलाम मेरी जान। क्या नबी खुदा ने मुझे बख्श दिया, अंदर आने की इजाजत देंगे? अगर कुछ और करते तो कभी माफ नहीं करता। तुमने आशिकों का अंदाज अपनाया, जिसे चाहती थी उसे हासिल कर लिया। माफ कर देना, अंबिया इलाही की जेबो जीनत है। उम्मीद है कि मैं इस माफी की अहल करार पाऊंगी। जब कोई गुनहगार है ही नहीं तो माफी कैसी? कैसे आना हुआ? यूसुफ के इसरार पर आई हूँ। उसने ख्वाब देखा है और बेचैन है कि उसे आपके सामने बयान करे। यकीन है इसका ख्वाब मुकम्मल खैर और नेकी पर मुश्तमिल है। यूसुफ के ख्वाब में शैतानी अरवा का गुजर नहीं। अच्छा, तो क्या ख्वाब देखा बाबा की जान ने? मैंने ख्वाब देखा कि मैं और मेरे भाई सहरा में खेल रहे हैं। तेज हवाएं चल रही हैं। Thank you.
मेरा नहीं ख्याल कि कोई खास ताबीर हो इस ख्वाब की। इसकी ताबीर के लिए कुछ गौर फिक्र करना होगा, शायद कुछ मेरे जहन में आ जाए। क्या आप लोग आज भेड़े चराने नहीं जाएंगे? अब जाइए ना। नहीं मालूम ख्वाब की ताबीर क्या थी जो याकूब ने सबके सामने बात करना मुनासिब नहीं समझा। वो तो जाहिर है बुद्धू, यूसुफ की बाकी भाइयों पर बर्तरी और सरदारी, और क्या। एक ख्वाब की ताबीर तो बच्चों पर भी वाजे थी, वो सब रंजीदा हो गए थे। मुझे इनके जहनों से उसके गलत असरात को मिटाना होगा। यूसुफ को अपना ख्वाब सरेआम नहीं बताना चाहिए था। रोटी और खजूरें रख दो, थोड़ी देर बाद उनके पास जाऊंगा। आओ बेटा आओ। जो कुछ मैं तुम्हारे बारे में सोचता था ठीक था मेरे बेटे। मैं तुम्हें यह बशारा देता हूं कि तुम्हें मुस्तकबिल में बुलंद बाला मर्तबा और आला मकाम हासिल होगा और तुम अपने भाइयों पर सरदारी करोगे। मेरे बाबा इसहाक नबी ने मेरे हक में दुआ की थी कि खुदा मेरी नस्ल में बहुत से नबी करार दे। हमेशा से दिल चाहता था कि जान सकूं मेरी रिसालत का वारिस कौन है। उम्मीद है कि मेरे मकसद को जारी रखने वाले तुम ही होगे। खुदा तुम्हें तमाम आफात अर्जी और समावी से महफूज रखे। शायद तुम वही हो जिसके हम मुंतजिर हैं। बाबा ये नबूवत क्या होती है? मेरा खाना और लिबास तैयार करो। जानते हो रसूल खुदा की जानिब से लोगों की तरफ भेजे जाते हैं। वो लोगों को खुदा और फलाह बहबूद और कमाल की जानिब हिदायत करते हैं। अपने ख्वाब की ताबीर किसी को न बताना, खुसूसन अपने भाइयों को। क्यों बाबा? अगर तुम्हारे भाइयों को पता चल गया तो मुमकिन है कि उनके अंदर की हसद की आग मजीद भड़क उठे और वो तुमसे दुश्मनी पर उतर आए। तुमने तो मुझे परेशान कर दिया भाई। मेरे ख्याल है मुझे अब यूसुफ की और ज्यादा हिफाजत करना होगी। अगर इजाजत दें तो मैं अब यूसुफ को अपने साथ घर ले जाऊं। ले जाओ, यूसुफ का ख्याल रखना। खुदा आपकी हिफाजत करे। खुदा हाफिज बाबा। खुदा हाफिज मेरे बच्चे, ख्याल रहे, इसे तना मत छोड़ना। रात को जब आप लौटेंगे तो यूसुफ को ले आऊंगी। मुद्दत हुई उनके साथ सहरा नहीं गया, गुरूब तक उनके साथ वापस लौट आऊंगा। हमारे बच्चे समझते हैं कि अब आपकी मोहब्बत और तवज्जो में कमी आ गई है। परेशान मत हो, मैं उनकी सोच को बदलने की कोशिश करूंगा। यूसुफ और बिन्यामीन के होते हुए याकूब कभी भी दूसरे बेटों पर तवज्जो नहीं देंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हम तो रोजी अपना खाना अपने साथ लाते हैं, फिर आपने क्यों खुद को जहमत में डाला? यानी मुझे हक नहीं कि मेरा दिल मेरे बच्चों के लिए बेकरार हो। मुझे हक नहीं कि कभी मैं उनके साथ भी वक्त गुजारूं। कोई भी चीज आपकी आमद से ज्यादा हमारी खुशी का बायस नहीं हो सकती।
आपकी आमद से पहले हमारी हालत सोगवारों की सी थी। मुस्कुराने तक का दिल नहीं चाह रहा था। क्यों, ऐसा भी क्या हो गया? पता है बाबा, हमें लगता है कि आपकी तवज्जो हम पर कम हो गई है। हाँ, हमें ऐसा लगता है जैसे आप यूसुफ और उसके भाई पर ज्यादा तवज्जो देते हैं। लेकिन मैंने तो यूसुफ को सिर्फ तुम लोगों की खातिर फायका के पास भेजा था। तुम्हें इसका अंदाजा नहीं, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी माँ तुम लोगों से ज्यादा इस पर तवज्जो देती। क्या फायदा, अब माँ बिन्यामीन के साथ चिपकी रहती है और उधर फुफ्फो यूसुफ के लिए बेहतरीन कपड़े और खिलौने मुहैया करती है। तुम लोगों से मुत्तफिक हूँ, लेकिन तुम लोगों को भी सोचना चाहिए कि हमें ऐसा बर्ताव करना चाहिए कि यूसुफ और बिन्यामीन को अपनी माँ की कमी का एहसास न हो। बाबा, यूसुफ ने जो ख्वाब देखा हम उससे बहुत परेशान हैं। आपकी औलादों में बड़े और ताकतवर हम हैं। तमाम सख्त जिम्मेदारियां और मुश्किल उमूर तो हमारे कंधों पर हैं, लेकिन आपका जानशीन वो यूसुफ बने। लेकिन यूसुफ के ख्वाब की ताबीर कुछ और भी तो हो सकती है। क्या यूसुफ ने ये नहीं कहा कि उसके हाथ में मौजूद लकड़ी सब्ज हो गई और तुम्हारे हाथों की लकड़ियों पर साया कण है? मुमकिन है कि ये इस बात की तरफ इशारा हो कि यूसुफ अपने सारे भाइयों को चाहता है, या फिर ये कि यूसुफ निस्बतन ज्यादा रहमदिल और मेहरबान होगा और अपने सारे भाइयों को चाहेगा। बज़ाहिर ये कि हमने जो नतीजा निकाला है इसके अलावा भी कोई दूसरी ताबीर हो सकती है। मैं ठीक से समझा नहीं, यानी यूसुफ आपका जानशीन नहीं है? मेरा जानशीन खुदा मुतय्यन करेगा, वो भी तुम में से बेहतरीन को। तुम लोगों को भी चाहिए कि इन बहानाबाजियों से पास आ जाओ। यूसुफ और बिन्यामीन तुम्हारे भाई हैं, दुश्मन नहीं है। मैं तुम सबको चाहता हूं और चाहता हूं कि तुम लोग भी एक दूसरे को चाहो, ताकि खुदा भी तुम्हें दोस्त रखे। घर के बड़े मेरी उम्मीद आस और दस्तबाजू तुम लोग हो। आज मुझे लगता है कि मैं तुम लोगों पर एतमाद करके मुतमईन हो सकता हूं। तुम लोग दिलेर और बहादुर हो। तुम लोगों के होते हुए कोई गम याकूब के दिल को छू भी नहीं सकता। हम आपसे माजरत चाहते हैं कि आपके दिल को दिखाया। शमून, दावी, मेरी ने रेबड़ पे हमला कर दिया। चलो आजा आजा जल्दी। हमने खुद ही से मारा है। हमारी भेड़ों पे हमला किया था, हम उस पर टूट पड़े और उसे मार डाला। और अगर कहीं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा देता तो? फिलहाल तो हमने उसे नुकसान पहुंचाया है। इन निडर और बेबाक बच्चों के होते हुए खुदा ही हमारी आग पर बखैर करे। जरूर आपने भी इनकी मदद की होगी। मुझे मुदाखलत का मौका ही कब दिया, इससे पहले कि मैं कुछ करता उन्होंने भेड़िए का काम तमाम कर दिया। पता है, हम खाना खाने में मसरूफ थे कि अचानक भेड़ें खौफजदा होकर भागने लगी। इतने बड़े भेड़िए ने रेवड़ पे हमला किया। हाँ, हमने भी उसे ठिकाना लगा दिया। ये बहुत खतरनाक काम है, कैसे किया तुम लोगों ने? बस जैसे ही उसने हमारी भेड़ों पर हमला किया, हमने उस पर हमला कर दिया। जिसके पास जो था उसने उसे मारा, पत्थर से, लकड़ी से। पहले मैंने लकड़ी से उसके सर पर मारा, फिर लावी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर सर कुचल दिया। कई बार उसने हम पर हमला किया, लेकिन अगर उससे डर गए होते तो यकीनन वो हमें मार डालता। काश मैं भी आप लोगों के साथ होता। बाबा, आप मुझे भी भाइयों के साथ जाने की इजाज़त दे दें।
नहीं मेरी जान, अभी तुम बहुत छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तब जाना। खाओ। शमून, लाबी, यहूदा, जल्दी आओ, इस भेड़िये को ले जाओ। चलो उठो। बाबा बाबा, मैं भी जाऊं? जाओ। लाबी, जाओ और भेड़िये को कनान के कुत्तों के आगे डाल दो। जाओ। बाबा जब हमारे पास आए तो कहने लगे कि यूसुफ के ख्वाब की सिर्फ भाइयों पर सरदारी क्यों ताबीर करते हो? शायद इसका मतलब भाइयों से बेपना मोहब्बत और उन्सियत हो। शायद शायद वो तुम सबको चाहता हो। हाँ माँ, वाकई यूसुफ हम सबको बहुत चाहता है। मोहब्बत के लिए जरूरी तो नहीं कि ख्वाब देखें, ख्वाब मुस्तकबिल की खबर देता है। यूसुफ की सरदारी और बर्तरी की, तुम्हारे बाबा ने तुम्हें बहलाया है। यकीन मत करना, तुम्हारे बाप ने तुम्हें खामोश करना चाहा। बलहा कह रही थी कि अगर ये ख्वाब हकीकत पर मबनी हुआ तो ये यूसुफ की तुम लोगों पर बर्तरी और सरवरी की अलामत है। लेकिन हम तो हमेशा यूसुफ के साथ खेलते थे, हमें तो बहुत मजा आता था। वो एक बाप हैं और नहीं चाहते कि भाई एक दूसरे के लिए दिल में बुराई रखें। वो चाहते हैं कि सब उनकी तरह यूसुफ से मोहब्बत करें। नबी अल्लाह, भाई का पुप्पो, बानू की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी करें, जल्दी करिए। सलाम बाबा, फायका पुप्पो की हालत ठीक नहीं। फायका, फायका क्या हुआ बहन? बिलाखिर आखिरी घड़ी भी आन पहुंची। तुम्हें कैसे पता? तुम तो बिल्कुल ठीक थी, एकदम क्या हो गया? इससे क्या फर्क पड़ता है, बस इतना जानती हूँ कि मेरा वक्त आ गया है। कोई तबीब, कोई दवा दारू, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे कल से ही पता था, क्या मेरे पास ज्यादा मोहलत नहीं। मेरी बात गौर से सुनो। कल जब तुम हमारे घर से जाने पर मुसर थी, तभी समझ लेना चाहिए था। माली दुनिया से मेरे पास कुछ नहीं, जो कुछ है वो मैं यूसुफ को बख्शती हूँ, उससे माफी चाहती हूँ। आ
आपसे माजरा चाहती हूँ कि मैंने 4 साल साजिश से यूसुफ को अपने पास ठहराया, उस पर चोरी का इल्जाम लगाया। खुदा मुझे माफ करे, आप भी मुझे माफ कर दें। मेरा यूसुफ चोर नहीं है, मैंने खुद वो कमरबंद उसके कपड़ों के नीचे छुपाया था। मैं ये सब जानता था, तुम खुद को इल्जाम मत दो। सबको बता दें, यूसुफ ना चोर था और ना है। तुम खुद को रंजीदा मत करो। मैं तुमसे तन्हाई में कुछ बातें करना चाहती हूँ। यूसुफ खुदा की निशानियों में से एक निशानी है। बाज लोगों के लिए रहमत और नेमत है, तो बाज के लिए नुकसान और खसारा है। मुझे हसद और कीने के आसार नजर आ रहे हैं। यूसुफ का ख्याल रखना, वो सिलसिला नबूवत की एक कड़ी है। उसे तना मत छोड़ना, लम्हा भर के लिए भी उसे उसे अपने साथ सुलाना और अकेले कहीं। सफर बखैर मेरी बहन। सफर बखैर मेरा सलाम और बाबा इसहाक को पहुंचाना, मेरा सलाम राहील को देना, मेरा सलाम हमारे दादा इब्राहिम को पहुंचाना। किसी से लौ मत लगाना, सिर्फ उसकी पनाह में रहो। जो कुछ मांगना है सिर्फ उससे मांगो, कि सब आजिज हैं और वो कादिर। वो तुम्हारे हर नाज़ो-नियाज़ से बाखबर है और
तुम्हारे तमाम वजूद पर वही हाजिर नाजिर और गवाह है, और अगर दोस्त चाहते हो तो तुम्हारा दोस्त है, महाफिज और निगहबान चाहते हो तो वो तुम्हारा निगहबान है, अगर मुनम चाहते हो तो वो तुम्हारा मुनम और परवरदिगार है, अगर पंद नसीहत चाहते हो तो तुम्हारा नासे और वाइज है, जो कुछ तुम बंदों से तलब करते हो वो सब कुछ उसके हाथ में है। वाए हो, वाए हो उन पर जो दूसरों के सामने दस्ते सवाल दराज करते हैं, अक्सर मालूक रुस्वा हो जाए अगर खुदा रोज़े मैशर सिर्फ आदिल बनकर फैसला करे, बहुत से पर्दे फाश हो जाएंगे अगर वो अपनी मखलूक पर आदिलाना नजर करे, बहुत से अमीर असीर हो जाए अगर कल हक ताला मजलूमों की दस्तगीरी फरमा दे, आंखें खून के आंसू रो अगर गुनाहगार अपनी बदहमालियों का मुशाहिदा कर ले, लिहाजा उस दिन के लिए सारे आखिरत जमा करें और उस रोज के लिए अपने अमाल की इस्लाह करें, फायका की तरह सब खुद को तैयार रखें, बिलाखिर हम सब इसी राह के मुसाफिर हैं। आइए फायका की रूह के लिए मिलकर दुआएं मगफिरत करें, परवरदिगार इसे अपने सवाले और नेक बंदों के साथ मशहूर फरमा। आमीन।